मुख्यमंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से एनडीए की लीक से हटकर अपनी अलग राय जाहिर की है। उन्होंने रविवार को जातिगत जनगणना का समर्थन किया। चिराग ने कहा कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर भी मुखर विरोध जताया था। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग का समर्थन कर रहे हैं जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव में उठा रखा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान को वोटों का समीकरण एनडीए से अलग लाइन लेने के लिए मजबूर कर रहा है या कोई और वजह है। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर पासवान वोटर है। पासवान वोट बैंक बिहार में करीब देखा जाए तो 5.31% है और वहीं चिराग को इस बात का अंदाजा है कि किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नहीं मिला तो अकेले पासवान वोटर्स के दम पर सीट जीत पाना मुश्किल होगा। कहा यह भी जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में कमी आई है और आरजेडी सपा जैसी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन से चिराग सियासी मौसम का मिजाज भाप कर धीरे धीरे अपना स्टैंड शिफ्ट तो नहीं कर रहे। दरअसल रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए और इस कार्यकारिणी बैठक में मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है, फिर मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर की जाती हैं। ये योजनाएं जो हैं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए, कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए कि ताकि जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास तो होने ही चाहिए। चिराग पासवान पहले भी जाति जनगणना को लेकर ऐसी राय रख चुके हैं। न सिर्फ जाति जनगणना बल्कि उन्होंने कई मामलों पर मुद्दों पर अपनी राय जो है पार्टी के सामने रखी और अपना विरोध भी जताया है। हाल में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते हुए नजर आए। विपक्षी दल भी इसे लेकर सरकार को घेर रहे थे। नतीजन केंद्र सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया और चिराग पासवान कई मौकों पर एनडीए से अलग लीक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताएं बीते जुलाई में चिराग पासवान ने जाति जनगणना को अपना समर्थन दिया। पासवान ने जाति जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का स्पष्ट रुख करते हुए जाति जनगणना असली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के सही आंकड़े जरूरी है। वहीं लेटरल एंट्री पर भी उन्होंने अपनी अलग राय रखी। अभी हाल में ही चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी विरोध जताया और बीते दिनों चिराग पासवान ने भारत बंद को भी समर्थन दिया। यह अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण के क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में संगठनों के आह्वान पर बुलाया गया था। कई विपक्षी दल भी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे थे और वहीं यूसीसी के मामले पर भी चिराग पासवान ने विरोध जताया था। समान नागरिक संहिता देश में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा जिसके बाद चिराग पासवान का विरोध करते हुए नजर आए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 था उसमें भी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीति अपनाई थी। उन्होंने एनडीए के घटक दल जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जेडीयू के खिलाफ उतारा, इससे एनडीए के भीतर तनाव बढ़ गया। हालांकि वह खुद एनडीए में बने रहे और भाजपा साथ गठबंधन बनाए रखा। वहीं उस दौरान उनकी पार्टी ने नीतीश मुक्त सरकार बनाने की भी अपील की थी जिसके बाद ये टकरार बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो सुर हैं वो मलते हुए नजर आ रहे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की राजनीति किस तरफ जाती हुई नजर आती है।